वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसके साथ ही भारत के पदाधिकारी भी जो है बैठक में शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर के जो है चर्चा की गई और अब आगामी दिनों में जो है किस तरह से संक्रमण को रोका जा सकता है उसको लेकर के भी चर्चा हुई और अब इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने जो है चर्चा तक कुछ अहम निर्णय लिए हैं। अब राजस्थान हाईकोर्ट और निचली अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को किस तरह से फैलने से रोका जा सकता है इसके लिए तमाम एहतियातन कदम जो है वो हाईकोर्ट के साथ ही अधीनस्थ अदालतों में उठाए जाएंगे और केवल जरूरी मामलों में जो है की जाएगी और हाईकोर्ट की एक बेंच सिर्फ जो है 25 मामलों की नियमित सुनवाई करेगी। सुबह और शाम को जो है 1 घंटे के लिए सुनवाई होगी। इसके अलावा तमाम जो परिवादी हैं उनका कोर्ट आने पर जो है प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हाईकोर्ट जैसा की प्रोसीडिंग देखने आने वाले स्टूडेंट हैं उनके भी पूरी तरह जो है कोर्ट आने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही नियमित जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी और जब केवल जमानत के मामलों में रिमांड स्टे जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी और जरूरत होने पर ही पक्षकारों और जो गवाह है उन्हें जो है कोर्ट में बुलाया जाएगा। इसके साथ ही जो हाजिरी की जो एप्लीकेशन होगी उन पर भी जो है गौर किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के अब फिर जो है आगामी बैठक होगी उस पर तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से जो है सुचारू रूप से हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों का कामकाज आगे जारी रखा जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक। तो बता दें आपको कि कोरोना वायरस को लेकर निर्णय हुआ है, हाईकोर्ट सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए ही करेगा सुनवाई और सेशन कोर्ट में जमानत रिमांड स्टे जैसे मामलों में ही सुनवाई होगी।